तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः साधन पाद जो कि योग सूत्र का दूसरा अध्याय है समझते हुए आ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आप दो सूत्रों को समझेंगे। कौन से हैं वो सूत्र? 2.33, 2.34। चलिए समझते हैं। और इसमें अविद्या के कारणों को जानने के उपाय के बारे में समझना है सूत्रों के माध्यम से। पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं, पहले सूत्र को समझें। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, इसका अर्थ वितर्क यानी आपत्तिजनक। यह संदिग्ध विषय, ध्यान से समझना, यह शंका और बांधने यानी कष्ट, रुकावट या बाधा किसी प्रकार की, और प्रतिपक्ष विपरीत पक्ष, भावनम, जैसा कि आप सभी सब जानते हैं भावना। तो इसका अर्थ आपने जान लिया, अब इसको एक लाइन में आप समझें। पहले ध्यान से समझना, जब वितर्क यानी यम एवं नियमों के विरोधी, कैसे हिंसा आदि के भाव, ध्यान समझना। देखो, जब वितर्क क्या, जैसे कि यम और नियम का पालन किया जाता है ना, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, यम एवं नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव जो उत्पन्न होने लगते हैं, तो ये उसके विषय में बताया जा रहा है। यम नियम के पालन में अवरोध पैदा करें तब उनके प्रतिपक्ष विचारों का प्रत्येक क्षण चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक, देखो इसको और सरल लैंग्वेज में समझ लें। ऐसी धारणाएं और कर्म जिनके कारण दुख कष्ट और वेदना प्राप्त होती है, क्या क्या प्राप्त होती है? दुख कष्ट और वेदना प्राप्त होती है, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रतिपक्ष भावना है ना, पुनर्विचार करना चाहिए तथा कष्ट और दुख को सुख और आशा में परिवर्तित करने के लिए सही विचार, कैसा, सही विचार और सही कर्म का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए सही निर्णय तक पहुंचने के लिए अच्छे और बुरे की तुलना का विश्लेषण किससे करेंगे आप? बुद्धि से। बुद्धि के प्रयोग से ही संभव है गलत सही, अगर विघ्न डाले, यम नियम को पालन करने में विघ्न पैदा हो तो ऐसा उपाय करें। क्या पहला है कि अविद्या के कारणों को जानने का उपाय करना है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। भीतर के बारे में प्रतिपक्ष भावना। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, 2.34। ध्यान समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। देखो, वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वकः मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। चलिए इनका अर्थ पहले समझ लें, इन सूत्रों के शब्दों को। वितर्क का जैसे कि संदिग्ध, अभी मैंने आपको बताया पहले, यानी संदिग्ध धारणा, और हिंसा हिंसा से संबंधित है। आदया यानी उसके बाद, कृत किया गया, एकदम ध्यान से समझना, कारित
कार्य का कारण। अनुमोदिता, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। लोभ, इच्छा, लालच किसी प्रकार की। क्रोध जैसा गुस्सा आप सभी जानते हैं। मोह, माया या आकर्षण। पूर्व का के कारण, पूर्व का यानी पहले, जो पहले के कारण, के कारण। मृदु, कोमल। मध्य, हल्का। अधिमात्रा, गहन। दुख, कष्ट या तकलीफ। अज्ञान, अनभिज्ञता यानी जानकारी न होना। अनंत, अनंत का अर्थ अंतहीन, जो अनंत काल तक चले, उसी के तो अंतहीन, जिसका अंत ना हो। फला, परिणाम। इति यानी इस प्रकार। प्रतिपक्ष, विपरीत विचार। भावनम, जैसा कि आप जानते हैं, भावना। तो ये अर्थ आपने देख लिया और समझ लिया। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना। अब इसका अर्थ ध्यान से समझना। यम यानी नियमों के विरोधी। यम नियम का पालन करेंगे तो साधना मार्ग पे चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट होती रहती है ना बीच में, तो उसे ध्यान से समझना। तो वही समझाने के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। यानी यम, हिंसा आदि भाव, यानी नियमों के विरोधी जो होते हैं, हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वितर्क कहलाते हैं। यम, हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं, जो नियमों के विरोधी होते हैं। और फिर वे तीन प्रकार के कहे गए हैं। अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो यानी यम, हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं, जो नियम के विरोधी हैं, वे, और वे कितने प्रकार के हैं? तो वे तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट, स्वयं किए हुए यानी जो स्वयं से किए गए कार्य होते हैं, या दूसरों से करवाए हुए होते हैं, यानी या स्वयं करो या दूसरों से करवाओ, या अनुमोदित किए हुए यानी बढ़ावा देना, प्रेरित करना। अनुमोदित यानी आप प्रेरित भी इसको समझ सकते हैं, प्रेरित करना किसी कार्य को करने के लिए। इनके कारण है लोभ, क्रोध और मोह है। इनके कारण क्या है? क्वेश्चन बन सकता है कि जो कार्य किए जाते हैं, जो तीन प्रकार के हैं, जो यम, हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं, वे कितने प्रकार? तीन प्रकार के हैं। वे किस प्रकार के हैं? जो चाहे स्वयं करें यानी खुद से करें, दूसरों से करवाएं, या अनुमोदित या प्रेरित करके करवाएं। तो इनके कारण क्या हैं? इन कार्यों के कारण क्या हैं? लोभ, क्रोध, मोह। ध्यान देना, ये इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं के कारण हैं लोभ, क्रोध और मोह। इनमें भी कोई छोटा यानी भावना है ना, भावना के हिसाब से रहेगा, कोई छोटा, कोई मध्यम, कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल प्रदान करने वाले हैं। ये क्या है? दुख और अज्ञान रूप अनंत फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार
चिंतन करना चाहिए, वो भी बुद्धि और विवेक से, यानी बुद्धि से। चिंतन करना ही प्रतिपक्ष की भावना है, इस प्रकार की चिंतन करना प्रतिपक्ष की भावना है। देखो थोड़ा और आसान तरीके से समझ लो, भ्रामक धारणा और विचारों, किस प्रकार की भ्रामक धारणा और विचारों के कारण कोई भी व्यक्ति इन सब तरीकों से स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य के लिए प्रेरित होता है। किस प्रकार से? स्वार्थ में वशीभूत होकर प्रेरित होता है। इनके लिए लोभ या स्वार्थ से प्रेरित इच्छाएं, खीज खीज, क्रोध, आकर्षण, घमंड, और मोह जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार के विचार और कर्म, इस प्रकार के जो विचार होते हैं और कर्म, ध्यान समझना, कोमल, मध्यम या तीव्र होते हैं। इस प्रकार के जो विचार किए जाते हैं वो तीन प्रकार के, कोमल, मध्यम या तीव्र, जो अभी मैंने आपको समझाया था पहले ही, तीव्र होते हैं, जिनकी कुमति की प्राप्ति होती है। जिनसे जिनसे क्या होता है? कुमति, कुमति की प्राप्ति होती है। यम और नियम के सिद्धांत के पालन से तथा मन और हृदय में, ध्यान समझना, यम और नियम किसका किसका बताया गया? यम और नियम के सिद्धांत के पालन से तथा मन और हृदय में तर्क, स्पष्टता और अच्छाई से इन्हें दूर किया जा सकता है। किस प्रकार से दूर करेंगे आप? यम और नियम के सिद्धांत के पालन से तथा मन और हृदय में तर्क, स्पष्टता और अच्छाई से इन्हें दूर किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो यह वीडियो दोबारा भी देख लीजिए। इसमें आपने दो सूत्रों को समझा, वितर्का, हिंसा, दया, कृतिकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह, पूर्वका, मृदु, मधि, अधिमात्रा, यानी तीन प्रकार के, कोमल, हल्का, गहन या तीव्र, दुख, अज्ञान, अनंत फलाइति, प्रतिपक्षी भावनम, और वितर्क बांधने प्रतिपक्षी भावना, 2.33। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना, और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।